वेपन्स और बंदूकें जो है वो बहुत कम हो गई है और जो पत्थरबाजी के हादसे है वो बहुत कम हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैसेज हमेशा से क्लियर कट रहा है, डेमोक्रेसी, पीस एंड रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक नया कश्मीर है, एक बदलता कश्मीर है। जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्सेशन डे, ये महाराजा हरि सिंह का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस दिन एस्टैब्लिश हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे सेलिब्रेट इसको? वी आर बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी व्हिच इज इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत। हम इसका हिस्सा बनने का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला। और आज देखिए आप, खुशहाल चीज़ें हैं। देखिए, इस चीज़ को हमेशा जो रीजनल पार्टीज थी, जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी स्टेट के अंदर, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। उन्होंने इस चीज को एक बैड नैरेटिव में प्रेजेंट किया है, एक बैड लाइट में प्रेजेंट किया है। अभी जब 2019 5 अगस्त के बाद चीजें बदल गई है, चीजें जो है पॉजिटिव फ्रेम में आने लग गई है, एक पॉजिटिव नैरेटिव जो है वो बिल्ड होने लग गया है। लोग अपने रोजगार में उबला है, आप देख रहे हैं खुशखुशहाली है। अब आप देख रहे हैं गन्स और बंदूक के जो है वो बहुत कम हो गई है और जो पत्थरबाजी के हादसे है वो बहुत कम हो गए हैं। कैपेसिटी जो है हमारे पास, जो हमारे इन्फोर्समेंट्स के पास जो कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी है, वो पहले भी थी, वो आज भी है, और तब भी थी, वो आज भी है। तब क्या था? तब मेलिस था इंस्टीट्यूशंस में, अब इंस्टीट्यूशंस में मेलिस नहीं है। तब जो इंस्टीट्यूशंस हमारे पास थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, आज भी हमारे पास वही है। तब हमारे गवर्नमेंट में मेलिस था, आज हमारी गवर्नमेंट में मेलिस नहीं है। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पथराव में, बंदूक में, एक रोजगार और एक डिजिटलाइजेशन में काम किया है, वो तब भी हो सकता था, लेकिन तब हुआ नहीं, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल और ओरिजिनल पार्टीज है उनके अंदर मेलिस था। तो उस वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है और पीस का जो ये कॉर्डियल प्रोसेस है रुक गया था, और जो डेमोक्रेसी की मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो हिंडर हो गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैसेज हमेशा से क्लियर कट रहा है, डेमोक्रेसी, पीस एंड रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी वर्क इन थ्री प्रिंसिपल्स। हम हमेशा से लोगों की बहबूती के लिए काम किया है। कैडर बेस्ड पार्टी है, कभी पावर में या रॉयल फैमिलीज की हायरार्की में बिलीव नहीं किया हमने, हमने डिलीवरीज में काम किया। देखिए, अब आज वही आप पहले देखते थे एक सिस्टम के रॉयल फैमिलीज के लोग, जो रॉयल फैमिलीज उनको कहते हैं जो यहाँ पे पावर में थे, जैसे कांग्रेस के बाकी लोग जो हायरार्की से या डायनास्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके जो लोग थे वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते थे पावर और पोजिशन को। आज रॉयल फैमिली उसी को हम कहते हैं जिसका जो नागरिक है, इंडिविजुअल है, सिटीजन है, जो टैक्स भरे, जो कम्युनिटी में सर्व करे, जो हमारी सोसाइटी को सर्व करे, आज हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सेम वही नैरेटिव है कि उस आदमी को प्रमोट करे, वो फैमिली, रॉयल फैमिली हमारे लिए है जो टैक्सेस पे करे, जो इंडिविजुअल्स के लिए काम करे, जो सोसाइटी के लिए कलेक्टिवली काम करे और अपने फेलो बींग के लिए कोई फ्रूटफुल प्रोग्रेस दिखाए।